गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज साद खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ब्लॉग। और आज की चर्चा होगी, आज का ब्लॉग शूट होगा चाय के साथ। सो मेरे ख्याल से अगर पानी के बाद सबसे ज़्यादा कुछ की पीने वाली है इस प्लेनेट के, तो वो है चाय। खुशी हो, गम हो, आप अकेले हो या दोस्तों के साथ, पिकनिक पर हो, ऑफिस में हो, स्ट्रेस हो या फिर हैप्पीनेस, आपको चाय ज़रूर चाहिए। यानी अगर आपका कोई साथी दुख रहा है तो सबसे ज़्यादा चाय है। और आज भी आप अगर आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करोगे, जूस लेना पसंद करोगे, तो उसकी पहली प्रेफरेंस होती है कि मैं एकदम चाय लेना पसंद करूँगा। तो इस चाय का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हुआ, और 2016 में अभिनव दुबे नाम के एक लड़के ने, जो बहुत उम्र लड़का है इंदौर का, उसने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि क्यों ना इस चाय को लोगों तक और अच्छे से पहुँचाया जाए। और जब उस दिन वक्त उनकी क्या कंडीशन रही होगी, क्या प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा उन्होंने, क्या कूलर खरीदे होंगे, आई डोंट नो। लेकिन आज इस 5 साल के बाद उनकी 200 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द कंट्री, दुबई मस्कत में भी ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हो चुका है, और कनाडा में भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आपको इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा इस चाय के लिए। आज 3 लाख से ज़्यादा कूलर पर डे बिकते हैं लोगों के बीच, और लोग 3 लाख कूलर चाय पीते हैं। तो आपको इस कूलर को पीने के लिए, इस चाय को पीने के लिए ना दुबई जाना है, ना मस्कत जाना है, ना कनाडा जाना है, बल्कि ये चाय सुट्टा बार आपके शहर रामपुर में खुल चुका है। और अब सारी चर्चा, सारी दोस्ती होगी इस चाय के साथ रामपुर में। और रामपुर में जिसने इसको ओपन किया है, इस चैन को सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली चैन है इस टाइम पर, जितने बिजनेस ऑलमोस्ट हैं इस वक्त इंडिया में, तो वो मेरे साथ हैं, मिस्टर सैफ और मिसेज। First of all, I would like to introduce myself. My name is Saif. I play Chudam Kumundi, as you know. So the thing is, हम लोग चाय सबकी favourite है, even आपकी भी favourite है, हम लोग चाय पे मिलते हैं mostly. Not only हमारी, बाकी सभी की favourite. Idea जो आया वो वहाँ से आया कि सब लोगों को चाय, एक इंडिया में ऐसा ड्रिंक है जो हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। हमारी सुबह आँख खुलती है तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में जो आती है, ब्रश के बाद वो चाय आती है। ब्रश से पहले भी हमने नाम रख दिया बैग टी। यार एक चाय तो पिला दो, फिर उठ के बाकी बात नहीं होगी। मेरी मदर वैसे अलाउ नहीं करती है बैग टी। तो आइडिया सदफ का था, मेरी वाइफ का। हम दोनों ही चाय के शौकीन हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह जाते हैं, अलग अलग टेस्ट फॉलो करते हैं, देखते हैं अपने टेस्ट बड्स जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो मुंबई में सदफ बिलोंग्स फ्रॉम मुंबई, माई वाइफ शी विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ लेटर ऑन। सो शी विजिटेड चाय सुट्टा बार देयर इन मुंबई, सो शी विजिटेड दैट प्लेस एंड शी लाइक द टी, द फ्लेवर्स एंड एवरीथिंग। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था इसका प्राइस, आपको शायद इतने सारे फ्लेवर चाय के बाहर नहीं मिलेंगे। वैसे तो चाय हाल भी बाहर फॉर्म में चाहिए, चाय की जरूर चाय, कोई इसे ग्रीन टी बोल के ले ले, कोई इसे ब्लैक टी बोल के ले ले, कोई इसे लेमन टी बोल के ले ले, चाय जरूर चाहिए। लेकिन अगर आपको इस चाय में भी और फ्लेवर मिल जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है, तो प्लीज कंटिन्यू। मैंने ट्रिप किया, सॉरी, हमारे पास 7 फ्लेवर्स हैं, 7 डेज होते हैं, 7 फ्लेवर्स हैं अपने पास, 7 दिन के साथ चाय, राइट, पान, तुलसी, अदरक, इलायची और ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान भी है, ज़ाफ़रान भी, ज़ाफ़रान टी इज़ आल्सो देयर, अदरक टी इज़ आल्सो देयर, तुलसी है। 7 दिन के साथ चाय आपके लिए अवेलेबल है। तो आपके पास छुट्टी का कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आप एक्सक्यूज दे दो कि यार आज हम नहीं आए, अगर आपका एक फ्लेवर मिस हो जाएगा। और मेरी वाइफ सदफ का फेवरेट फ्लेवर है रोज,
सदस्य एक सवाल मेरे दिल में है और मेरे साथ साथ जितने भी लोग हैं उनके भी दिमाग में होगा कि जो कॉन्सेप्ट है चाय सुट्टा बार, इट्स ओके, इसके बारे में सब कुछ सुन लिया, लेकिन इसका जो नाम है चाय सुट्टा बार, तो और ये बेसिकली चाय की जगह है, तो लेकिन अगर आप डिफाइन करो तो सुट्टा बार भी इंक्लूड है, तो थोड़ा क्लियर करिए मैसेज के, क्योंकि हो सकता है कि ऑडियंस भी सोच रही हो या हमारे जो भी लोग हैं कि यार शायद वहाँ बार है, शायद सुट्टा लगाने की जगह है, तो ये बेसिकली चाय सुट्टा बार, लेकिन मैं जैसे यहाँ आया हूँ तो ये अलग चीज़ है, तो थोड़ा सा आप इसको बता दें ताकि क्लियर हो जाए कि चाय सुट्टा बार है क्या। चाय सुट्टा बार एक ऐसी जगह है जो हमारे यूथ को जो स्मोकिंग और अल्कोहल का एडिक्शन है उसको हटा के, उससे दूर रख के चाय की तरफ लेकर आती है, क्योंकि हमारे चाय के 9 वेरिएंट्स है, हमारे पास चाय के 9 फ्लेवर्स है, तो लोगों को ये रहेगा कि वो बोर नहीं होंगे। और बार कंसेप्ट, हमारा जो एम्बियंस है, जो कंसेप्ट है वो बार के स्ट्रक्चर में है, फीचर्स जो है वो बार के, जो यहाँ के वाइब्स है वो बार की जैसे है, यहाँ पर लोग आके म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर जो यूथ है वो उसमें एड ऑन करते हैं इस वाइब्स में, एटमॉस्फेयर भी मिलेगा, तो बार की तरह मिलेगा, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर वही मिलेगा, लेकिन जो एक एडिक्शन जो है अच्छी तरफ है, मतलब एक उसी जगह पे अच्छी तरफ पे नहीं आ रही है जी। और हमारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी आउटलेट्स है, वहाँ पर स्ट्रिक्टली मना है अल्कोहल और स्मोकिंग, वी हैव पुट द साइन बोर्ड व्हिच से देयर इज नो स्मोकिंग हियर एंड नो अल्कोहल, दैट इज द रीजन द वाइब्स आर ऑफ बार, बट व्हाट वी ऑफर इज चाय। हम चाय ऑफर कर रहे हैं, तो आप भी इस बारे में कहना चाहोगे कि मेरे ख्याल जरूर जरूर चाय सुट्टा बार जैसा कि नाम है, तो हर बंदा स्टार्टिंग में ये समझता है कि शायद बार या सुट्टा पीने की जगह मिल गई है हमको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाय सुट्टा बार का आइडिया मिस्टर अनुभव दुबे को आया था अपने अर्ली एज में, जब वो स्टूडेंट हुआ था, तो चाय की उनकी आदत थी, सुट्टा नॉर्मली हम लोग भी बोलते हैं कि चल सुट्टे में चलते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली सुट्टा और चाय वहाँ से उनके माइंड में आ गया था। अब बार जो था, बार में यूथ जो है मोस्टली बार की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो उनका वही चाय का जो शौक था अनुभव दुबे का, वो बिजनेस में कन्वर्ट होने जा रहा था, एक स्टोरी क्रिएट हो रही थी, तो उनके दिमाग में ये नाम आ गया एकदम से, चाय सुट्टा बार। अब चाय का सुट्टा है उसमें और बार का आपको एम्बियंस मिलेगा। इनका जो मेन मोटो है ना, अपने यूथ को सुट्टे से और बार से, अल्कोहल से अलग लाके अपने हेल्दी ड्रिंक, जो कि इंडिया का ड्रिंक है, चाय आपको वही मिले, ड्रिंक आपको हेल्दी मिलेगा, प्लस आपकी एक्टिविटीज जो यूथ करना चाहता है, यहाँ पे फ्रीडम दे रहे हैं हम लोग, नॉन अल्कोहलिक एंड नो स्मोकिंग के साथ। मेरे ख्याल से इतनी बेस्ट जगह हेल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो मैंने एक चाय का एक फ्लेवर ट्राई किया है अभी, लेकिन मैं 7 दिन नहीं आऊँगा, मैं आज सारे फ्लेवर ट्राई करके जाने वाला हूँ, लेकिन मेरा सजेशन है और रिक्वेस्ट है आपने गाइस, जितने भी रामपुर वाले हैं, बाकी और सारे मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे वीडियोज देखते हैं, कि जो जिस शहर में वो वहाँ चाय सुट्टा बार विजिट करें, और शायद आप उसको ऑलरेडी कर भी रहे होंगे, लेकिन जो रामपुर के रहने वाले हैं स्पेशली उनके लिए, कि वो चाय सुट्टा बार आएँ एक बार जरूर आएँ, तो फिर बार बार आने पर मजबूर हो जाएंगे। ट्राई किया है, थैंक यू वेरी मच शेफ, थैंक्स साथ, नाइस टू मीट यू, और ये इतना अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच, और बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए चाय सुट्टा बार आइए और चाय का मत लीजिए।